पीडीएफ नहीं किया है? कल दे देना याद से पीडीएफ। इससे पहले क्लास में हम पादप कुल पढ़ा रहे थे, आज पोषण तो कंप्लीट बता दिए थे, आप लोग को हम ट्रिक भी बताए थे, तुम बताएगा। बड़े जो जरूरत के न्यूट्रिशन होते हैं जिसे हम मैक्रो कहते हैं, MACRO मैक्रो, ट्रिक बताओ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, ए हाँ ठीक है, बगल वाला तुम बताओ, माइक्रो वाले का। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, और उसका था मन को जीत कल मत बोल फनी फनी। किसका खाद नहीं बनाया जा सकता? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? कार्बन। पढ़ा दिए थे, चलिए अब आगे हम लोग उसके समझते हैं, ठीक है। पादप कुल या फैमिली, प्लांट फैमिली, प्लांट फैमिली में भी हम आपको बताए थे कुछ हद तक, नहीं बताए होंगे तो दोबारा बता देते हैं। आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला, पादप फैमिली तथा हार्मोन वगैरह का ये बड़ा चैप्टर है, ये पूरे बॉटनी का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो पादप जगत है पूरा, सबसे बड़ा चैप्टर यही है पादप जगत। कुकुरबिटेसी बताए थे, वैसे सब्जी जिसमें लतीदार पद निकलते हैं उसे क्या कहेंगे? कुकुरबिटेसी। क्या कहेंगे? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। बताइए तो नेनुआ की सब्जी जितना लतीदार फल सब्जी है कुकुरबिटेसी में आ जाता है। करेला कुकुरबिटेसी, कदुआ का जो पौधा होता है कदुआ क्या कहा जाता है? लौकी, लौकी की सब्जी लौका बोलता है, गदा कहेंगे। बड़ा साइज का रहेगा तब ना लौका बोलेगा, ऐसे छोटा रहेगा तो उसे क्या कर लो, लौकी बोलते हैं। अगला है रूटेसी, ये भी बढ़ा दिए थे, खट्टे फलों को रूटेसी, खट्टा फल सब किस में जाएगा? रूट। दांतों के रूट के लिए क्या अच्छा होता है? खट्टा फल, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? रूटेसी में। क्या हो गया? रूटेसी, दांतों के लिए रूटेसी। किसी को कोई दिक्कत? रूटेसी समझ में आ गया कि नहीं गया? रूटेसी के बाद कर रहा मालवेसी, मालवेसी जो होता है भिंडी वगैरह आएगा मालवेसी। देखिए जिसमें लसलसा पदार्थ पा जाएगा वो क्या होता है? मालवेसी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाएगा? मालवेसी। भिंडी तोड़िएगा पिछवा देखिएगा ना, लसलसा पदार्थ रहेगा तो क्या हो जाएगा? मालवेसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरहर किसमें आ जाएगा? कपास, मालवेसी में। कपास किसमें आता है? मालवेसी। भिंडी सोलेनेसी, जिसमें हम लोग खाने का भाग अच्छा खासा मिल जाए। आलू जिसमें आएगा वो क्या हो जाता है? सोलेनेसी। आलू किसमें आता है? सोलेनेसी। आलू किसमें जाएगा? सोलेन। कपास मालवेसी, नींबू संतरा लतीदार सब्जियां, सब्जियां किसमें चली जाएगी? कुकुरबिटेसी। किसी को दिक्कत? ये इसकी फैमिली का नाम है, जैसे आप लोग का गोत्र होता है ना, गोत्र वगैरह आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो कभी पूजा पाठ जने होने होगा, चाहे ब्याह शादी होगा ना, चाहे आप लोग का पिंड दान होगा, हा? तो उस समय पिंड दान के समय लगता था, आप लोग का काहे को पिंड दान होगा? पूर्व आपके जो दादा होंगे उन लोग का क्या होगा? तो उसमें गोत्र वगैरह लगता है, या विवाह शादी हो गया, या कोई बड़ा पूजा पाठ होता है ना, तो उसमें क्या लगता है? गोत्र वगैरह। उसी तरह पेड़ पौधे का क्या है? गोत्र। क्या है? गोत्र। आप नागराज कहां बैठ गए हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, बैठो उसी बैठो, बेचारा एक तो लंबा चौड़ा है 6 फुट का, उसके ऊपर बैठ गया है सीमेंट वाले दीवाल वहां पे। ए लड़की साहब उसको कहां देख रही है तुम? सबको समझ में नहीं आता, बेचारा शर्मा के मुंह उधर किया हुआ है भैया, एकदम नाक एकदम शर्मा गया, अरे बाप 40 को मिलके एक के बार ओकरे देखने लगते, भैया डर गया है। अभी कुछ दिन पहले को बेहोश हो गया था, 500 लड़की के बीच में उसका अकेले सेंटर चला गया था मैं जब नाक को देखो एकदम शर्मा गया नागराज एकदम
सारा पैसा नाम क्यों रख देते हैं? पूछने से अच्छा कोई नाम रख दे, है नागराज, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला करा लिलियसी, इसमें क्या था? लहसुन प्याज। लिलियसी में लहसुन, लिलियसी में लहसुन, आलू, भिंडी, कपास, नींबू। अगला करा है ग्रेमिनेरी, ग्रेमिनी, अरे क्या है ऐसा ही हो रहा है, ग्रेमिनी। अनाज किसमें जाएगा? ग्रेमिनी में। अनाज ग्रेमिनी, लहसुन प्याज लिलियस, आलू, भिंडी, कपास, संतरा लहसुन, संतरा लिली। आगे बढ़े, क्यूसी फेरी सरसों। अब कुछ चीज का आपको ऐसे याद रखना है, क्यूसी फेरी सरसों, पूछ देता है तो आपको याद रखना है, क्यूसी फेरी, क्यूसी फेरी। ल्यूमिनेसी दलहन फसल, दलहन किसमें आ जाता है? ल्यूमिनेसी में। क्यूसी फेरी में, क्यूसी फेरी, क्यूसी फेरी, इसमें क्या आएगा? सरसों। क्यूसी फेरी सरसों, ल्यूमिनेसी दलहन, ल्यूमिनेसी दाल वगैरह का जिसमें आता है उसमें किसमें आता है? ल्यूमिनेसी में। किसमें? ल्यूमिनेसी। पीडीएफ आप लोग के पास नहीं है इसलिए उठपटांग नाम है इसे कम। कटहल का पौधा किसमें आता है? मेरासिया में। कटहल मेरासिया, कटहल मेरासिया। ये कुछ फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसी के हिसाब से आपको बता दिए, वरना स्कूल में तो बहुत ज्यादा है। कटहल किसमें आएगा? मेरा सिया। नहीं जी, कटहल में ना, अब देखिएगा तो उसका बाहरी पूरी फल भित्ति उसके साथ जुड़ जाती है, वो भी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, जिस वजह से उसको अलग रखा गया है। किसमें? मेलासिया में। किसमें? मेलासिया। बताइए लतीदार सब्जी वगैरह, संतरा नींबू, अनाज ग्रेमिनी, ग्रेन बोलते हैं ना अनाज को, अनाज किसमें? ग्रेमिनी, अनाज ग्रेमिनी। सरसों, सरसों, क्यूसी, कटहल, मेलासिया, मलेशिया नहीं मेलासिया, दलहन ल्यूमिनेसी, दलहन ल्यूमिनेसी, लहसुन प्याज लिलियसी, लिलियसी में लहसुन, सोलिनेसी में आलू, कुकुरबिटेसी में सब्जी, रूटेसी में खट्टे फल, लिलियसी में, लिलियसी, ल्यूमिनेसी दलहन, क्यूसी बेरी, मेलासिया, सोलिनेसी, ग्रेमिनी। ये इनका गोत्र है। क्या है? गोत्र। कभी भूले भटके इसे सवाल पूछ देता है, किसे? गोत्र से। आप लोगों को भूलना नहीं है, अब क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पादप जगत। क्या चीज? पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत या प्लांट किंगडम, बहुत बड़का चैप्टर है। जिस तरह आप जूलॉजी में, हम आपको पढ़ाए थे जूलॉजी में, क्या किए थे? पढ़ाए थे आपको पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, आप पढ़ाए थे ना, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनो कार्डेटा, कार्डेटा, पढ़ाए थे ना। तो ये हम लोग के जंतु वाला था, जंतु वाला था ना, इसमें केचुआ से लेके सांप, घोड़ा, बिच्छी सब आ गया था। सबसे लास्ट में हम लोग आए थे, सबसे अपडेटेड वर्जन कौन है? हम लोग है लोग, सबसे ज्यादा कार्डेटा। कार्डेटा में हम लोग किसमें आते हैं तुम बताओ बबनिया? कार्डेटा में, कार्डेटा में हम लोग आते हैं अस्तनधारी में, और अस्तनधारी में भी यूथेरिया। किसमें आएंगे? यूथेरिया। अस्तनधारी में भी यूथेरिया, याद रहेगा ना, अस्तनधारी में भी यूथेरिया में आएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
सबसे समझदार जानवर की श्रेणी में हम ही लोग आते हैं, जिसका दिमाग काम करता है। लेकिन इसमें भी सबका कहाँ करता है, तुम लोग अल्लाह मत किया करो, समझ गया तो अपने पास रखो, हल्ला कर देता है। सो हम अल्लाह करवाते हैं, बता हम मना कर रहे हैं अल्लाह मत कर दे, आप ही अल्लाह कराते हैं हम तो। चलिए आगे समझते हैं। हम कभी भी नहीं कहते हल्ला करो, बस जान के चुपचाप लग जाओ। हाँ दस आप लोग समझ जाते हैं, ये कैसे समझ गई सब। पादप जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, किंगडम में ना उसे रखते जहां हर तरह के जीव आ जाए, पौधों की हर एक वैरायटी आ जाए, उसी को क्या कहते हैं किंगडम। जब किंगडम बोला जाएगा ना पूरा साम्राज्य, साम्राज्य में सब लोग आते हैं हर वैरायटी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम बात करेंगे हमारे क्लास का तो ये हर वैरायटी का लड़का लड़की आएगा सब, हर एक वैरायटी का। अगर सैंपल सर्वे कराना है इसमें सैंपल सर्वे करा लिया, हर वैरायटी का लोग मिलेगा, एक से एक फूहर लड़का मिलेगा। 2022 के नहीं ले और एक से एक फरचीन मिलेगा सब एकदम। ओ माय गॉड, हाथ गंदा हो गया, पढ़ाई बाद में, पहले नहाओ। तो जब भी बात आएगी किंगडम की तो उसमें सबको शामिल करना पड़ेगा। हम आपको एनिमल किंगडम पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा दिए क्या हो गया, खड़ा हो गया। तुम लोग शांति से अपने जगह पर बैठा रहो, हल्ला नहीं किया करो पीछे ना, हल्ला करोगे तो फिर आपको हम ना कोई ठीक नहीं है, कार्डेटा से उठा के आपको हम फिर मोलास्का में भेज देंगे, फिर ऐसे ऐसे चलते रहना इसे। आगे बढ़े, आप लोग भी किस में आते हैं, कार्डेटा में, ऐसा मत समझिएगा कि आप लोग बॉटनी में आइएगा। किस में आते हैं लोग, कार्डेटा में। चलिए अब ध्यान से समझिए, पादप जगत में सब तरह के पेड़ पौधे आएंगे, इससे बड़ा कोई और भी ग्रुप नहीं हो सकता है, किंगडम से बड़ा कोई ग्रुप नहीं होता है। इसमें पौधों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी, एक जिसमें फूल खिलता है उसे पुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक क्या कहेंगे, पुष्पोद्भिक, फेनरोगेमी क्या कहेंगे, फेनरोगेमी, पुष्पोद्भिक का मतलब क्या होता है, फेनरोगेमी। चली जाएगी बबनी, नहीं जा पाएगी, गिर जाएगी, इधर बेहोश हो जाएगी, दरवाजा खोल दो, चल जाएगी। पुष्पोद्भिक को क्या कहेंगे, फेनरोगेमी, क्या कहेंगे, फेनरोगेमी। एक होता है जिसमें सोचो फूले नहीं खिलने वाला है, उसे कहेंगे अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगेमी। अपुष्पोद्भिक को अंग्रेजी में क्रिप्टोगेमी क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेमी, ऐसे क्या कहेंगे, फेनरोगेमी, इसे फेनरोगेमी। तो पूरे पेड़ पौधों को हम कितने भाग में बांटेंगे, दो, कितने भागों में, दो, याद रहेगा। जैसे हम लोग जंतु को दो भाग में बांटे थे, एक कोशिकीय पेरिफेरा में डाल दिए थे, अब बहु कोशिकीय को मार, उसके बाद एक कोशिकीय को प्रोटोजोआ में, अब बहु कोशिकीय को पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, इसके लिए तो बहुत सारी कोशिकाएं उसमें आती गई थी। इसको कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग। अब पुष्पोद्भिक में फूल खिलेगा, अब पुष्पोद्भिक में फूल खिले, जिसमें फूल खिलेगा इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, ये साइज में छोटे होते हैं, इनमें फूल उल नहीं खिलता है, इनके पेड़ से कभी शाखा पौधा तना ये सब कुछ नहीं निकलता है, चुपचाप एक छोटे से क्या रहेंगे, पेड़ रहेंगे, उसमें डाली शाखा ये सब नहीं निकलता है, पत्ती उत्ती नहीं लगते हैं सब इसमें, अपुष्पोद्भिक में, और उसमें लगता है। तो इसमें देखते हैं पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, अपुष्पोद्भिक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पुष्पोद। हालांकि आप इसे देखे रहते हैं, आप इसे क्या हुए हैं, देखे हैं, पुष्पोद्भिक को आप देखे हैं, उसको नहीं देखे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इसे कितने भाग में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी, इसको हम दो कैटेगरी में आराम से बांट सकते हैं। एक ऐसा पौधा जिसके फल के अंदर बीज रहता है,
सांगा गया कि नहीं? देखो बगलवा मुंह में रख ले गुल्लर, सोच रहा कब बोले कब बोले। बोल दिया गुल्लर, अभी फूल खोलने के बोले ना तो गुल्लर बोल दिए यहाँ पे। तो पुष्पोद्भिद में दो तरह के रहेंगे, एक ऐसा पौधा जिसका बिया फल के अंदर तो बीज के बाहर आवरण रहे तो उसे कहते हैं आवृत बीजीय, आवृत आवृत बीजीय, आवृत आवृत बीजीय, यह हो गया आवृत बीजीय। इसके बिया के बाहर आवरण रहता है, आम का बिया बाहर में आम, समझ में आ गया, लीची बिया अंदर बाहर फल उसका, तो जिस बिया के बाहर आवरण रहेगा उसे क्या कहेंगे? आवृत बीजीय। जिस बिया के बाहर आवरण उसे आवृत, समझ में आ रहा है? तुमको कोई दिक्कत? मेलानिन कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ध्यान से देखते हैं। जिसके बाहर बिया अंदर फल, बिया अंदर फल बाहर, उसे क्या कहेंगे? आवृत आवृत बीज, क्योंकि बीज का बाहर आवरण रहे, जिसके बीज के बाहर आवरण रहेगा उघारे रहेगा तो नग्न बीजीय, नग्न बीजीय। अरे अनावरण करेगा सीधे बोलो ना, नग्न बीजीय कितना अच्छा समझ में आ रहा है, उघारे जिसका बीजा उघारे नग्न बीजीय। ये बहुत कम पाए जाते हैं, पहाड़ वहाड़ पे पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पे आदमी जानवर कम पाए जाते हैं, जिससे कि बीज को नुकसान कम हो। इसलिए फल का मुख्य काम ही होता है बीज को सुरक्षा देना, फल का मुख्य काम बीज को सुरक्षा। तो हम लोग के यहाँ जितने पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? आवृत बीज, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। और जो पेड़ पौधे पे होते हैं जो पहाड़ वो किसमें जाते हैं? नग्न बीज। उसका बीवा फलवा के बाहर रहता, फल अंदर रहता, बीवा झांकते रहता है तुम अंदर रहो हमको कुछ नहीं होगा। समझ में आ जाएगी नहीं आ जा? किसी को दिक्कत? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पौधा देखे, इसमें स्ट्रॉबेरी था, देखना जी स्ट्रॉबेरी अगर जाए तो कहें स्ट्रॉबेरी नहीं है। ये रहा, देखिए इस तरह का बीवा बाहर है, दिख रहा है? और जो दाना दाना ये क्या है? बिया है। ये क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसका क्या है? बीज। ये कहां रहता है? बाहर। अंदर इसके कुछ नहीं रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, इसमें केवल इसका फल रहेगा अंदर। अब सारा बिया कहां गया? वाह, तो इसे क्या कहेंगे? नग्न बीजिए। क्या आम का बिया बाहर रहता है? हाँ, आम का बिया बाहर नहीं रहे, कैसे लगेगा उसका बाहर आ जाएगा तो? तो नग्न बीजिए पौधों के बीए भी बहुत छोटे और बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आप ही बताओ, जिसके पास किसी का 40 गो लड़का है तो थोड़े में चिंता है कोना का बीमार पड़ल कर दो गो जेबो करेगा और 30 गो बचेगा, नहीं समझा? तो नग्न बीजीय पौधों में इतने ना बीए होते हैं कि बाहरे रहते हैं, अरे दो गो खराब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी बहुत ज्यादा। लेकिन आम एगो तो उसको ढाप के रखता है फल एकदम, आई अंदर रहो अंदर रहो, गुठली तुम अंदर पोसले रहता है उसको अच्छा। अच्छा उसके बाद भी उसका मेन बीवा अंदर रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? एक के को बीए, एक रहा कौन जरूरत है सेफ्टी दिला गया, दिख रहा है? एक में 100 गो है, दो चार को चली हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉबेरी आगे बढ़े, ई लोग खाते हैं, लोग नया नया लोग। हाँ आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो एक हो गया आवृत बीजीय, एक हो गया नग्न बीज। आवृत बीजीय और नग्न बीज, आवृत बीजीय आप दो भाग में बांट सकते हैं। आम हो गया आवृत बीजीय में आएगा कि नहीं? धान आएगा, आम आएगा, धान और आम दोनों आएगा, तो इसे दो भाग में बांटते हैं। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और एक बांट सकते हैं द्वि बीज पत्री। तो इसे कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। कितने भाग में? क्या कहता है ये? एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, इसकी पत्तियां कैसी होती है? लंबी। धान किसमें जाएगा? एक बीज पत्री, क्योंकि धान पे भी क्या लगा होता है? कवर। धान पे भी एक होता है द्वि बीज पत्री, द्वि बीज पत्री, द्वि बीज पत्री। अब इसको एक एक करके बाद में आराम से पढ़ेंगे लोग, ठीक है? तो बताए फूल जिसमें लगेंगे वो कितने कैटेगरी में? दो। कितने कैटेगरी में? दो। आवृत बीजीय, नग्न बीज, आवृत बीजीय और नग्न, आवृत बीजीय और, याद रहेगा ना? आवृत बीजीय और आवृत बीजी को कितने कैटेगरी में? दो। पत्ती लंबी तो एक बीज,
पत्तियां छोटी तो दुई बीज, आम किस्में दुई बीज पत्र, केला एक बीज पत्र, धान एक बीज पत्री, गेहूं एक बीज पत्री, जामुन दुई बीज पत्र, जामुन दुई, दलहन दुई, दाल मटर सब दुई बीज पत्र नहीं बन सकते हैं। अरे स्ट्रॉबेरी नागन बीज, स्ट्रॉबेरी तो कैटेगरी से चल गया दूसरे, और स्ट्रॉबेरी नग्न बीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जा। स्ट्रॉबेरी ये सब बहुत कम, गांव के लोग बहुत कम खा रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। स्ट्रॉबेरी के कौन जो कहाँ अटक जाएगा पता नहीं चलेगा, 100 रुपया में 4 को 5 को देगा, खरीला के बाद पता नहीं चलेगा कौन चीज खा रहे है भाई, समझ में आ गया, डिब्बा में बन के ले रहता है। आगे देखते हम लोग, टमाटर बोल रहा था जल्लाद, उसको टमाटर बोल रहा था, कोई बात नहीं, लड़का सब बहुत सीधा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो सीधा नहीं तो भोदा वाला लक्षण है। नग्न बीजी कहां होते हैं, पहाड़ी इलाके, नग्न बीजी है, नग्न बीजी होते हैं पहाड़ी इलाका। तो पहले नग्न बीजी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उधर चलेंगे। नग्न बीजी के कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, किसी को कोई दिक्कत है बताइए। फूल खिलने वाले को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फेनरोगेमी, क्या कहेंगे, फेनरोगेमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेनरोगेमी। ये कितने टाइप के, दो, आवृत बीजी अनावृत, आवृत बीजी नग्न बीज, हम लोग के पास आवृत, मैदानी क्षेत्र में आवृत, ज्यादा मात्रा में आवृत, कम मात्रा में नग्न बीजी, नग्न बीजी का बिया बाहर, बीए का आकार छोटा, बीए की संख्या ज्यादा, एक बिया बाहर आएगा तो लगेगा दो को फल है, आपको नहीं लग रहा, आम कभी भी नग्न बीजी हो ही नहीं सकता, बार बार आ जाएगा तो जितना बड़ा आम उतने बड़ा गुठली, अब वो गुठलियां निकालेंगे तो वो तो पचक जाएगा, कैसा लगेगा, उटपटांग टाइप का लगेगा। तो इसके बीए, बीयों की संख्या ज्यादा, आकार में छोटा, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नग्न बीजी जो होते हैं ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में आप लोग पहाड़ी क्षेत्र के हैं नहीं, और पहाड़ी क्षेत्र के जो रहते हैं वहां की जनसंख्या भी कम में रहता है, पहाड़ पे रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ में घर बनाएगा पता चला अगले सीजन दह गया, हमेशा देखते हैं उत्तराखंड में तबाही आता रहता बहुत। आगे बढ़े, नग्न बीजी में अभी आप लोग एक देखे हैं, कौन सा, स्ट्रॉबेरी, एक देखे ना, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो, लड़का के लिए यह ट्रिक की जरूरत नहीं है, लड़का की सास बहुत मानती है, बस आते वो लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज में दामाद को बहुत माना जाता है, ओ माय गॉड कितना बढ़िया, यही तो है भूकंप रोधी। लव मैरिज में बहुत पिटाते हैं लोग, और लड़की लोगों में बहुत ये समस्या आ जाती है, सास पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, समझ आएगी नहीं क्या, लेकिन आप लोग पढ़ा लिखा रहिएगा ठीक ठाक से रहिएगा तो मानेगी, पतोहियो तो मुंह में कह देती है सब, कोनो बतिया मुंह बोल देगी, लड़का सब में एक चीज है तो कोई बतिया धाप के बोलता है, आजकल का पतो सब आगे हमारा आपसे का मतलब है। तो ठीक क्या है, जालिम सास को चीर दो, ऐसे कोई मत चीर दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जैसे होता है जालिम से होता है जैमिया, जालिम से जैमिया, जैमिया एक पौधा है जो क्या है नग्न बीज, जैमिया एक पौधा है नग्न, सा से होता है साइकस, साइकस भी नग्न बीज, स से होता है सिकोया, सिकोया भी नग्न बीज, को से कुछ नहीं, को से कुछ नहीं, ची से चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा भी नग्न बीज, दो से देवदार, देवदार भी नग्न बीज, तो नग्न बीजी का एग्जाम्पल याद रहेगा, जा से जैमिया, जैमिया, सा से साइकस, स से सिकोया, सिकोया, स से सिकोया, ची से चीड़, चीड़, अदे से देवदार, देवदार याद रहेगा, देवदार, ठीक याद हो गया, जालिम सास को चीर दो, किसी को दिक्कत,
जा से जैमिया, जालिम से जैमिया, जालिम से जैमिया, सा से सिकोया, सा से सिकोया, सा से साइको, सा से सिकोया के पेड़ की मोटाई एक घर इतना मोटा होता है, जितना बड़ा घर होता है। अब 20 सड़क पे आ जाता है ना, तो सिकोया के पेड़ काटा नहीं जाता है, बीचवा में से चीर के रास्ता निकाल दिया जाता है, उसमें ट्रक निकल जाती है पेड़वा के बीचवा में से, इतना मोटा होता है। अब चलो इधर देखो, पहले ठीक समझो, बाद में दिखाएंगे, याद कर भी नहीं करेगा, पहले देखेगा फोटो। गूगला तुम्हारे पास नहीं है तो घर जाके देख लेना, छोटा मोबाइल है तो पिक्सल भी उसमें कम होगा, ये बड़ा है तो इसमें बड़ा साइज करेगा। आगे बढ़े, ट्रिक बताइए, जालिम सास को जैसे जैनिया, सा से साइक, स से सिकोया, ची से चीर, द से देवदार, देवदार याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? हाँ, सिकोया। सबसे छोटा नग्न बीजी है जैनिया, सबसे बड़ा नग्न बीजी सिकोया, सबसे बड़ा जंगल का आतंक कहते हैं चीड़, जंगल का आतंक चीड़, चीड़ को हम अंग्रेजी में पाइनस कहते हैं, क्या कहेंगे? पाइन, चीड़ को अंग्रेजी में पाइन, ये बहुत खचरी लकड़ी है। तो खचरा कैसे होगा? ये जंगल का आतंक किसे कहते हैं? चीड़, बहुत खचरा पेड़ है ये, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खचरा पेड़ है ये, चीड़ का पेड़, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइनम। इस पेड़ में दिक्कत क्या होता है, इसकी पत्तियां अम्लीय होती हैं, जब ये गिरती हैं पत्तियां तो मिट्टी को क्या बना देती है? अम्लीय बना देती है, मिट्टी को अम्लीय बना, तो इसकी पत्तियां मिट्टी को अम्लीय बनाने से उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। इनके पेड़ में पाए, चीड़ के पेड़ में क्या पाया जाता है? तारपीन का तेल। क्या पाया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है चिलगोजा। क्या प्राप्त किया जाता है? चिलगोजा। इसका जो पौधा होता है ना चिलगोजा, इसी से क्या निकाला है? चिलगोजा। चिलगोजा दवा का कैप्सूल, देखें कैप्सूल की तरह होता है, उसको खोलिएगा तो उसमें खाया जाएगा, मूंगफली की तरह टेस्ट लगेगा। मूंगफली गोल होता है ना, मूंगफली तो गोल होगा, इसे अच्छी ऐसे लंबा होता है, चिलगोजा इसे लंबा होता है, टेस्ट सेम लगेगा मूंगफली जैसा। इसको खोलना पड़ेगा और उसका खाना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? 4,000 रुपये किलो है चिलगोजा, 4,000 kg चिलगोजा। हाँ, मूंगफली ठीक है, चिलगोजा का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चिलगोजा, और उसमें रक्षाबंधन के दिन ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा था, समझ में, उस ड्राई फ्रूट में ना चिलगोजा भी था, कोई लड़की खरीबे नहीं की थी, कौन सी है जी, कौन सी भाई, सब छोड़ दी। सबसे पहले उस सबको काजू जाना पहचाना लगा, बादाम किशमिश जाना पहचाना लगा, इसे वो सब खाई, अच्छी गोजा रख, ये दादा ये रामी कुंची है, आज जो ले गई थी फेंक दी, खाना बहुत बदबार की सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे असल में देखिए 90 से 92 सामान खाने के लिए बना था, तो भाई आप सबका सब, अब जैसे किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीता, उस सबसे अब सबको समझे में नहीं आती क्या है ये चिलगोजा, बहुत कम खाए या तो फिर कहीं भी नहीं गए। आप लोग को बुलाओ, अरे रक्षाबंधन में तुम लोग क्या करने आएगा, ये सबको गोवर्धन में बुलाने लाएगा, तुम लोग मूसर लेके आना, मुरचाइल मूसर नीचे तांबा का बेत लगल आए गए त्योहार। देखिए जिसके जिसके घर में बहन नहीं है ना, उनके घर में त्योहार और शादी ब्याह के समय में रौनके नहीं रहेगा, वही सब तो शादी ब्याह हो जाएगा, तो अब भैया का ब्याह है, 8 से 9 ही वाला पहनना है, 11 बजे से 12 बजे तक ही पहनना है, और लड़का सब में बारात आ गया कह जा कपड़वा प्रेस ना है, वैसे काम चला दिया नहीं जाएगा, आएगा ही रक्षाबंधन में। लड़का लोग के लिए होता ये सब थोड़ी होता है। आगे बढ़े, बताइए
चिलगोजा की प्राप्ति, तारपीन का तेल चीड़ से, जंगल का आतंक चीड़, चीड़ की पत्तियां अम्लीय, चीड़ को अंग्रेजी में पाइनस, चीड़ को अंग्रेजी में पाइनस, याद रहेगा ना। तो पूरे पेड़ पौधों को कितने कैटेगरी में बांटे हैं आप, कितनी कैटेगरी में, जिसमें फूल लग गया उसे पुष्पोद्भव, और जिसमें फूल नहीं लगा अपुष्पोद्भविक, किसमें अपुष्पोद्भविक में, अपुष्पोद्भविक जिसमें फूल लग गया पुष्पोद्भव, फूल लग गया उसमें पुष्पोद्भव, उसको कितने कैटेगरी में, दो। आवृत बीजीय नग्न, आवृत बीजीय को कितने कैटेगरी में, दो। एक भी, एक बीज पत्री, दुई बीज पत्री, याद रहेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप बताइए नागराज, एक बीज पत्री की पत्तियां लंबी या छोटी, हाँ? आप क्लास नहीं आए थे, कितना दिन हुआ क्लास करते हुए, लंबी होगी पत्तियां, लंबी, और दुई बीज पत्री की छोटी, लंबी पत्तियों का सिरा विन्यास एकांतर या समानांतर, और छोटी पत्तियों का जालिका, हो छोटी पत्तियों का, आगे बढ़ जाए। यार तुम लोग ये सब कमेंटों में बतियाते रहता है सब, आपस में कमेंटों में बतियाएगा सब, तुमको समझ में आ रहा है, कहेगा हाँ एकदम समझ में आ रहा है, अपना अपना तुलना करता है सब, कौन कितने कैरेट का बकलोल था, पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़का, बतियाने के लिए खोजता है सर कमेंटों में, कैसे हो रोहन, ये सब कई को टीचर लोग बिगाड़, मतलब बतिया बतिया बिगाड़ दिया सब, समझ में गया। अच्छा कई को तो लेडीज टीचर नाचने लगी थी, एक के दिन सुधारिए दिए सब जना को, अब सब नचनिया भाग गई है सब, पुरान पुरान वीडियो अपने डिलीट कर देना, बताओ टीचर को नाचना चाहिए, अब यही सब खोज रहा है बतियाने के लिए, अब कहेगा तो ये अरे पढ़ा रहे हैं पढ़िए, आपसे कौन जा, हमको सुनिए ना, ये सोचता है हमी इनको सुने यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, सबसे छोटा नग्न बीजीएम, सबसे बड़ा है सिकोया, जंगल का आतंक पाइनस किसे कहते, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आप पेंट वगैरह में पड़ता, समझ में आ गया कि नहीं, पेंट वगैरह में क्या पड़ता है, तारपीन का तेल, उससे थोड़ा सा क्या होता है, पेंट थोड़ा पतला हो जाता है, पानी मिला के पतला नहीं ना करेंगे, बढ़िया पेंट को आप पानी मिला के पतला नहीं कर पाएंगे, वहां पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा पतला, थीनर मिला देंगे तो छोड़ देता है, फिर थीनर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा छोड़ देगा, पेंट जब नहीं छोड़ता है ना तो ब्रश वगैरह में क्या लगा देते हैं थीनर, पतला कर देता है थीनर वगैरह में, और तारपीन का तेल मिला देते पेंट पतला हो जाता है, उसके पेंट में थोड़ा सा बार्निश मिला देंगे तो पेंट बहुत ज्यादा चिकना लगेगा, लेकिन पेंटर अगर कह दीजिएगा बार्निश मिलाए हैं तो पेंटर जल्दी पेंट नहीं करते हैं सर, बहुत हार्ड चलता है फिर पेंट, पकड़ने लगता है उसको वहां पे, चिपकने लगता है, तो उसको पेंट करने में थोड़ी सी क्या होती है मुश्किल आती है। एक तो हमको बेंच हुआ पेंट करा रहे थे ना, तो हम कहे बार्निश मिलाओ, कर रहे सर बार्निश की क्या जरूरत है यहाँ पे, हम कहे चल हमको मत सिखा तुमको यहाँ पे, तुमको एक्स्ट्रा चाहिए होगा हम दे देंगे तुमको, सिखाओ मत हमको कि क्या होता है, चिकना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप लोग बैठते हैं लेकिन खेत में चिकना रहेगा इतना ना बेंच पे, इतना सुबह से शाम तक लड़का उसको रगड़ के खत्म कर देता है बेंच वगैरह को, यहाँ पे लोड किसी भी चीज का एक नॉर्मल यूज करने के लिए बना है कि उसका कमर्शियल यूज किसी चीज का करिएगा तो खत्म, सारा चिकनाहट खत्म हो जाता है वहां पर, लेकिन बार्निश मिलाने से अच्छा हो जाता है पेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत, तो पेंट में क्या मिलाते हैं तारपीन, कौन सा तेल तारपीन, बाल में मत लगा लीजिएगा, बाल में लगा लेंगे स्वाहा हो जाएगा, बाल व्हाइट होने लगेगा, यहाँ पे झड़ने भी लगता है, बाल को नुकसान करता है तारपीन का तेल, बाल के लिए सबसे अच्छा है सरसों तेल, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से, ये वाला हो गया नग्न बीजीय, क्या हो गया नग्न और आवृत बीजीय, दोनों समझ में आ गया, सबसे छोटा नग्न बीजीय, सबसे बड़ा हाँ सिकोया, आगे बढ़े।
साइकस वगैरह जो होता है ये भी होता है, सिकोया साइकस नग्न बीजी वगैरह, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं हम लोग किसमें अपुष्पोद्भिद, किसमें अपुष्पोद्भिद में फूल वगैरह लगेगा, इधर में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें फूल वगैरह नहीं लगते हैं। इसको पढ़ना बड़ी टफ है, वो तो पढ़ लिए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिक्कत इसमें तो पढ़ने लायक कुछ खास था ही नहीं, आधा तो पहले ही पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे जी? अरे एक बीज पत्री दुई बीज पत्री पहले ही पढ़ा के बैठे हुए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर एकांतर लंबी पत्तियां छोटी पत्तियां, ये तो पहले ही पढ़ा के बैठे थे, इसमें थोड़ा सा बता दिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग कौन सा पुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद, क्या देखेंगे? अपुष्पोद्भिद में फूल खिलेगा, शाखाएं निकलेंगी, सब कुछ नहीं होगा, सीधा पौधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसको पढ़ना बहुत टफ है। इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, कितने कैटेगरी में? नमोट थैलोफाइटा, 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 दूसरा ब्रायोफाइटा, 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 अब ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, 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 क्या था? टेरिडो। किसी को दिक्कत? कोनो का नाम सुने थे आप? चलिए अब ध्यान से, मतलब व्यवहारिक रूप में हम लोग नहीं जाने, पढ़ने के टाइम पे तब नाम पढ़ेंगे। नाम ना सुनने का सेंस क्या है? आप उसको टेक्निकल टर्म से डेली के जीवन में नहीं थे, जैसे चिलगोजा। अब डेली के जीवन में वो बहुत वीआईपी लोगों के लिए, वो फ्रूट्स होता है ना, हार्ट वगैरह का मरीज वरीज होते हैं सब, या बड़ा वो सब वीआईपी लोगों के लिए होता है। 4,000 रुपए किलो कौन जी खाएगा जी उसको? गरीब को खिलाएंगे तो दम में सुन के बीमार पड़ जाएगा, बीमारी ठीक के जगह 4 को बीमारी पड़ जाएगा उसको। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, ये किसकी कैटेगरी है? अपुष्पोद्भिद। किसकी? अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद की। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा जमीन तो कहीं पे भी रह सकता है, इसमें भी आप एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं थैलो पर, पहले क्या पढ़ते हैं? थैलोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? थैलो, थैलोफाइटा। पूरा पादप जगत कितने भाग में? दो। अपुष्पोद्भिद पुष्पोद, अपुष्पोद्भिद को अंग्रेजी में क्रिप्टोगेम, अंग्रेजी याद रखिएगा, अंग्रेजी पूछ देता है, क्रिप्टोगेम, इसे फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम, फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम, फेनरोगेम, फेनरोगेमी कितने भाग में? दो। आवृत बीजीय नग्न बीजीय, आवृत बीजीय नग्न, आवृत बीजीय कितने भाग में? दो। एक बीज पत्री दुई बीज, नग्न बीजी में बिया बाहा, बीए का आकार छोटा, बीए की संख्या मैदानी क्षेत्र में कि पहाड़ी क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा। ट्रिक क्या है? जालिम सास को चीर, जालिम सास को चीर दो। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़िया है। सबसे छोटा नग्न बीजी है, हाँ जन्य, सबसे बड़ा सिकोया। चीड़ को अंग्रेजी में पाइनस, चीड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइनस। तारपीन की प्राप्ति चीड़ से, जंगल का आतंक चीड़ से, चिलगोजा। किसी को दिक्कत? अब आते हैं किस पे? अपुष्पोद्भिद पे। अपुष्पोद्भिद तीन भाग में, अपुष्पोद्भिद तीन, ये तो बड़ा चैप्टर था जी, कल खत्म हो जाएगा जी। बटनी बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है? बटनी का थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा कितने भाग में बटेगा? तीन। कौन कौन? थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। किसी को दिक्कत? इजी है बटनी में। आप कौन से, अब तो कौन चीज टफ है नहीं बचेगा, फिर मेंडल बचेंगे, क्रॉस जेनेटिक क्रॉस, तो और इजी है। और कौन टफ बचेगा? फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन हिल रिएक्शन, कोई टफ नहीं है इसमें, सब खत्म ही हो गया, टफ हो गया। बायोलॉजी में टफ कहां था? इसका थैलोफाइटा की चार कैटेगरी, थैलोफाइटा का। अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा होने वाला है? थैलोफाइटा की कितना कैटेगरी? चार, चार कैटेगरी में बढ़ता है थैलोफाइटा। इन चारों का नाम आप सुने होंगे,
पहला होता है कवक, अंग्रेजी में फंगी या फंगस, फंगी या फंगस। पूरी दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई राज करेगा तो कवक सबसे पहले। पेड़ पौधा बाद में आएंगे, सही से फेनरो गेमी के बनने में टाइम लगेगा, आम जामुन धान गेहूं सब ये बहुत टाइम लगेगा, उसे धाक से निकलता है। एक दिन अगर आप ब्रेड को भिगा के छोड़ दीजिए, अगले दिन आपको क्या मिल जाएगा, थैलोपाइटा, और थैलोपाइटा में कवक। रोटी ब्रेड के ऊपर क्या रहेगा, कवक। सबसे पहले क्या आते हैं, कवक आते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं, कवक वगैरह हर जगह क्या पाए जाएंगे, कवक पाए। आगे बढ़ जाओ, कवक के बाद आते हैं सवाल, एलगी। सवाल को क्या कहते हैं, एलगी। नदी में देखिएगा हरा हरा एगो पौधा पाया जाए, नदिया में हरा हरा क्या पाएगा, सवा। और वो एकदम पतला पतला रहेगा, बाल की तरह, महिला के बाल की तरह लंबा होता है, बहुत लंबा। हम लोग के बाल की तरह थोड़ी होता है, यहाँ पे घास ही तो हा? आगे आएगा, काई इसमें नहीं आएगा, इसमें जाएगा। थैलोपाइटा में काई नहीं आएगा, काई किसमें जाएगा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, आगे देखेंगे, थैलोपाइटा में नहीं आने वाला है। तो सवाल समझ में आ गया, नदी में देखे होंगे तो सवाल पाया जाता है। अगर आप तैरने जाइएगा और सवाल के एरिया में घुस जाइएगा ना, तो सवाल के एरिया में लंबे लंबे 10-10 फीट के, 12-12 फीट के क्या पाए जाएंगे, सवाल। अमूमन सवाल 3-4 फीट का होता है, लेकिन बहुत सवाल लंबे होते हैं, और जहां पाए जाएंगे वहीं पाए जाएंगे जहां कोई नदी में नाव वगैरह कम आती जाती है, समझ में आ गया। लेकिन उधर अगर चले गए तो आप उसमें तैरेंगे ना, तो ऐसे सवाल 10 फीट का एकदम बाल की तरह पतला, ऐसे हटाएंगे तो वो तो हट जाएगा और फिर हथे में लपटा जाएगा। अब जहां गए यहाँ पे, अब छोड़ाएंगे फंस गए, यहाँ पे पार मारेंगे फंस गए, उसका मरने के बाद हल्ला होगा, बुढ़वा पकड़ लिया, बुढ़वा। आप लोग के यहाँ बुढ़वा का हल्ला है कि नहीं, हाँ भूत। हम लोग के यहाँ नदी के भूत को ना बुढ़वा बोला जाता है, हाँ बुढ़वा पकड़ लेता है उसको, कहेंगे पैरवा पूरा पकड़ लिया था बुढ़वा, अरे गदा के जाके थालो फाइटा में पैर फंसा गया है, कह रहा है बुढ़वा पकड़ लिया है, हम कहां फंसा लिया है, सवाल में फंसा लिया। अब जैसे मान के चले किसी खेत में धान की खेती हुई है, धान इतना बड़ा हुआ है, अब बाढ़ में वो खेत डूब गया है, आप चल जाएंगे तैरने के लिए, नीचे पूरा धान है तो फंस नहीं जाइएगा, वैसे ही वो धान की तरह होता है, बट थोड़ा सा क्या होता है, पतला पतला होता है, कैसा होता है, पतला। किसी को दिक्कत, सवाल मर जाएगा उसी में, कहे बुढ़वा मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत पंडुबी। अच्छा तो महिला भूत नहीं होगी तो पंडुबी, लड़का रहता है उसको बुढ़वा, समझ आ जाएगी नहीं, पंडुबा। आगे बढ़े, सवाल समझ आ गया, कवक सवाल। एक होता है लाइकेन, क्या होता है लाइकेन, लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये कागज की तरह होता है, लाइकेन क्या होता है, कागज। सबसे फेमस लाइकेन का नाम है लिटमस पेपर, सबसे फेमस लाइकेन है लिटमस पेपर, नीले रंग का होता है, एसी डालेंगे तो गुसिया के लाल हो जाता है, गुसिया क्या हो जाता है, लाल हो। सबसे फेमस लिटमस लाइकेन, सबसे फेमस लिटमस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लाइकेन को लाइकेने कहा जाता है, हाँ हिंदी में सैक कहा जाता है, सैक, सैक हिंदी में सैक होता है, अंग्रेजी लाइकेन है, उल्टा लिख दिए है, अरे कोई बात नहीं, लाइकेन है हिंदी में सैक बोला जाता है, उल्टा लिख दिया। अब चौथा जिसको आप सब जानते हैं, चौथा आप जिसे सब जानते हैं और सब उससे क्या है पीड़ित ही है, बैक्टीरिया या जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग को लगता है बैक्टीरिया ही चलने वाला कोई जीव है, क्रीमी समझते थे लोग, जैसे प्लेंटी हेलमेंट थी, जैसे स्केलमेंट थी ना, तो हम लोग को लगता था इसी कैटेगरी का होगा, छोटा छोटा होगा, प्लेंटी हेलमेंट थी या स्केलमेंट थी का नहीं तो एनिलीडा टाइप का। बाद में पता चला ससुराई तो जूलॉजी में नहीं है, किसमें है, बॉटनी में है, किसमें चला गया, बॉटनी। तो जीवाणु किसमें आता है, थैलोपाइटा, जीवाणु थैलो, ये बीमारी भी फैला देता है, समझ में आ गया कि नहीं। अब जैसे बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है, छोटा पौधा है, ना इसमें फल लगेगा, ना शाखा निकलेगी, ना कुछ, दूषित भोजन उजन से चला गया आपके अंदर, आप फेफड़ा में जाके बैठ जाएगा, अब वहां अपना पूरा खानदान जमा लेगा,
अब फेफड़ा में जाके अपना खानदान जमा लेगा, इसे इसे पूरा भर जाएगा जहां तहां में, अब पूरा का पूरा फेफड़ा में जगह ही नहीं बचेगा सांस लेने के लिए। अब फेफड़ा उसको जबरदस्ती खांस के फेंकेगा, प्रेशर लगा पूरा खांसेंगे, तू पकड़ ले फेफड़ा को, कहेगा ये चाचा आप फेंक रहा है बाहर, तू चाचा कहेगा पकड़ ले रही हो, आदमी फेफड़ा का बेचा टीवी का मरीज खांसेगा फेंकने के लिए ताकि उसका पूरा जीवाणु पकड़ लिया, और कचकचा के पकड़ ले, इधर डायफ्राम करेगा जल्दी फेंक इसको, अब फेंकेगा तो पकड़ ले रहेगा, नोच के फेफड़वा निकल जाएगा बाहर, तो खून आने लगेगा, क्या रहेगा ब्लड, समझ में आ गया कि ना? पहले बहुत लोग टीवी से मरे, समझ में आ गया, जिन्ना टीवी से करीब मर गया, रामानुज गणितज्ञ रामानुज रामानुजन टीवी से, अगर वो 2 साल और जी जाते ना अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा देते हो, रामानुजन बहुत बेहतरीन गणित के सर, ऊपर वाला को भी नहीं समझ में आता, हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को बिना मतलब ही उठा लेता, होमी जहांगीर बाबा विमान दुर्घटना, स्वामी विवेकानंद अचानक के चले गए, अरे राजीव दीक्षित जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, समझ में जितना ही जो अखिलेश बकलेल रहेगा सर बहुत दिन जी जाता है, अच्छे लोग पता नहीं क्यों निकल जाते हैं, असल में अच्छे लोगों को भगवान भेजने के बाद भी समझ में आता है ये वहां लायक नहीं था, आ जाओ यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अब आपको ये सब पांचों पांच चारों पढ़ना है, पूरे पादप जगत को कितने भाग में बांट दिए थे, 2, याद रहेगा ना, हम लोग अब यहां से पढ़ना चालू करेंगे थैलोपाइटा वाला, ठीक है।